आज का ये वीडियो वॉश बेसिन घर पर कैसे लगाए, वो भी सिर्फ 30 मिनट में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टेक्नीशियन ज्ञानेश्वर। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आ गया हूँ तुमको एक अच्छा वीडियो दिखाने के लिए। ये जो बेसिंग होती है, हैंड वॉश बेसिंग जो होती है, वो कैसे लगाने की, वो भी अपने घर पे आप खुद लगवा सकते हो, वो भी 30 मिनट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये रही जो बेसिंग, कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अलग अलग साइज़ की अलग अलग बेसिंग होती है, मगर ये मैं लगाने जा रहा हूँ बेसिंग। तो ये रही वो जो बेसिंग, और ये रहा उसका पिलर कॉक कहते हैं, यानी कि जो उसकी नल होती है, ऊपर की टोटी होती है, उसको पिलर कॉक कहते हैं। ये उन्होंने लाया, मगर ये चेला नीचे चला जा रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। ये शॉर्ट वाला है, तो उसको एक बड़ा बिग वाला भी मिलता है, वो लगाएंगे। और क्या क्या लगता है देखिए, ये रहा एंगल कॉक, एंगल कॉक भी लगता है, वो भी आपको आगे पता चलेगा। और ये रहा फास्टनर, ये दो फास्टनर है, इसकी सहायता से हम लगा सकते दीवार को। वो भी कैसे लगाएंगे आगे आपको जब पता चलेगा। ये रहा जो फास्टनर, तो चलिए लगा के दिखते ऐसी कुछ बेसिंग होती है, कुछ इस तरह से। ये वेस्ट कपलिंग कहते हैं उसको, ये वेस्ट कपलिंग मैंने लगा ली है यहाँ पे। आप इसको आसानी से लगा सकते हो, हाथ से भी घुमा सकते हो। ये देखिए, ये निकल सकता है, हाथों से भी निकल सकता है, हाँ, मगर इसको एक बार पाने से जरूर कस लेना, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है, ये आसान होता है। जहाँ पे लगाने का है ऐसा स्टैंड मिलता है इस बेसिंग का, तो इस ड्रिल की सहायता से हम उसको लगाएंगे, तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो चलिए हम इसको पहले, ये FTA होता है, यानी कि 1.25 इंच का जो ठेडर होता है, ये भी लगाना पड़ता है PVC का, और उसका पाइप भी आता है, वो भी आपको पता चलेगा कि मैं कैसे कैसे कर रहा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, एक एक आइटम लगा लेते हैं। ये मेरा पार्टनर है, तो उसी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो चलिए, ये रहा पाना। इस पाने के ज़रिए से हम पहले उसको टाइट करेंगे, वेस्ट कपलिंग को टाइट करेंगे कुछ इस तरह से, और इस थ्रेडर को भी टाइट करेंगे। देखिए कुछ इस तरह, जो इस तरह आपको दिखाई दे रहा है, बस ये आसानी से आप कर सकते हो, घर पर भी बना सकते हो एक दो टूल की जरिए। तो चलिए आप इसके ऊपर रखते हैं, जहाँ पे लगाने हैं वहाँ पे रखने का, और उसका माप लेने का, यानी कि छेद कहाँ गिराने के, कुछ भी एक दो बार आपको नीचे ऊपर करना पड़ेगा। तो फिलहाल पहले जहाँ पे लगानी है ये बेसिंग, उसी का माप लेंगे, उसके ऊपर रख के। तो हमने रख दिया इसके ऊपर, तो यहाँ पे और क्या क्या लगेगा ये भी देखेंगे। तो यहाँ पे ये रहा एंगल कॉक, पहले हमने उसकी फिटिंग करवा ली है, अगर आपके घर पे ऐसा ही है तो आप कर सकते हैं। अब ये रहा उसकी बेवल ट्यूब कहते हैं उसको, सीधा बेटा या एड़ा बेटा टेढ़ा बेटा। तो ये देखिए ऐसा रोवेल ट्यूब आता है, इसकी सहायता से उसका लेवल चेक करते हैं। तो अभी मैंने लगा चुका है और लेवल भी उसका निकाला है। अब उसके मार्क करते हैं, यानी कि निशान करते हैं, कहाँ कहाँ उसके निशान होते हैं। तो इसके दो छेद होते हैं इसके पीछे, तो कुछ निशान बनाने के ऐसे जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, और ड्रिल की सहायता से हम उसको छेद करेंगे। तो मैंने निशान बना दिए हैं, तो देखते हैं आपको आगे दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे, और मैं ड्रिल भी कर रहा हूँ यहाँ पे, उसी साइज़ का जैसा जो फास्टनर है उसी साइज़ का बिट लगा के हम ड्रिल की सहायता से हम उसको छेद बनाएंगे। एक हो गया, दूसरा भी हो गया लगभग। तो चलिए अब इसके अंदर फास्टनर डाल लेते हैं, इसको अच्छी तरह से हथौड़ी से टोक के उसको अच्छी तरह से टाइट करने पड़ते हैं। इसके अंदर ग्रिप भी डाल सकते हैं आप, इसके साथ ग्रिप आती है, ग्रिप भी डाल दी मैंने। और ये देखिए, उसको अच्छी तरह से पहले टाइट करना पड़ता है जैसे आपको दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद ये बेसिंग लगानी पड़ती है। तो देखिए लगभग मेरे पूरे हो चुके दोनों भी फास्टनर। तो चलिए और एक बार उसको निकाल के देखते हैं अच्छी तरह हुआ या नहीं, उसका जजमेंट लेना पड़ता है। सही तरीके से एक दो बार उसको निकालना पड़ता है बाहर, एक दो बार तो निकालना ही पड़ता है। तो देखिए आराम से जैसे आपको दिखाई दे रहा है, मैंने लगा लिया है उस छेद के अंदर फास्टनर को। तो ये देखिए
कुछ इस तरह से होगा। ये दोनों साथी मेरे भी हैं, मेरे पार्टनर हैं, तो ये लगा रहे हैं। तो और एक बार मैंने उसको नीचे निकाल दिया है। अब ये रहा एंगल कॉक लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो एंगल कॉक लगाएंगे, ये देखिए। और ये पिलर कॉक लगाएंगे। एनएल की तोटी होती है, ये बड़ी वाली लेके आए हैं, ये बड़ी वाली लगानी है, छोटी वाली नहीं लगानी थी। तो ये अच्छी रहेगी, इससे भी अच्छी रहेगी। अब बाद में उसके नीचे से अब कनेक्टर पाइप भी लगा सकते हैं। कनेक्टर पाइप लगाने के बाद अब उसके पीवीसी पाइप जो आता है उसका 1.25 इंच का जो नीचे का आउटलेट है उसका, वो भी लगाएंगे और उसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए, ये भी लगा लिया मैंने पीवीसी का पाइप, उसका माप ताल निकाल के और सही तरीके से उसको उसका माप लेते हुए उसको बिठाना पड़ता है। 1-2-4 बार उसको बाहर निकालना ही पड़ता है। देखिए कुछ इस तरह से, जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए आसानी से आप भी घर पे बना सकते हो। इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये कोई भी बना सकता है। खाली 1-2 पहाने की ज़रूरत है और ड्रिल की ज़रूरत है। ये देखिए जो फास्टनर लगाए है उस छेद के अंदर फास्टनर आराम से जाने चाहिए, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कैमरा नीचे नहीं जा सकता है, ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने उसको लगवा लिए है। और ये जो रहा पाइप, कनेक्टर पाइप कहते हैं उसको, ये भी उसको साथ कनेक्टर करूँगा। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखाता हूँ, मैं इस तरफ से दिखा रहा हूँ, ये रहा। तो चलिए उसको भी टाइट कर देते हैं अच्छी तरह से, पेंच की सहायता से या पाने की सहायता से। और जो नीचे फास्टनर के 2 नट है वो भी, एक मेरा पार्टनर वो भी टाइट कर रहा है और एक ने पाइप कर दिया है टाइट। तो लगभग अपना काम पूरा हो चुका है। देखिए कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, ये देखिए बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है। आप भी अपने घर पे ऐसे ही लगा सकते हो। ये देखिए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा मैं आपको। ये जो वेस्ट कपड़ी मैंने बिठाई है ये भी अच्छी बिठाई है। अब ये देखिए ऑन ऑफ होता है, अपने तो सभी के घर में होते हो। और देखिए ये लेफ्ट भी घूम सकता है, राइट भी घूम सकता है, आपको चाहे चाहे वो भी घूम सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।